इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे साथ बनती नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि हमारे अक्सर राइट्स होते रहते हैं उनके साथ, LOC पे हमारी उनके साथ बनती नहीं है, फायरिंग होती रहती क्रॉस फायरिंग, जिसकी वजह से आई थिंक सो कि वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को इसीलिए इंटीमेट कर रही है कि वहाँ अब पढ़ाई मत करें, कि अगर इन केस आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान और इंडिया का तो वहाँ से उनके स्टूडेंट्स को निकालना एक तो मुश्किल हो सकता है। ये मुल्कों का नुकसान होता है, ये एक वॉर है, ये भी एक वॉर है। हम कहते हैं कि भाई दूसरों ने एटम बम मार दिया तो ये वॉर है, हकीकी वॉर तो ये है। एजुकेशन लॉस हो रहा है, कभी यहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट लॉस हो रहा है। पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इंडिया की तरफ से कोई ना कोई बॉर्डर का अटैक आ जाता है, या पाकिस्तान उनको डिफेंस करता है तो वहाँ पर हमारी फॉरन पॉलिसीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हुकूमत का सारा ध्यान फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर जाता है और सारी स्पोर्ट्स वहाँ बंद हो जाती हैं, तजारत वैसे ही ख़त्म हो जाती है, और पीछे क्या बची हुई थी एजुकेशन वो हम वैसे ही नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ऊपर वैसे ही बहुत पाबंदी है वहाँ पे इंडिया में जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ने डिसीजन लिया है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्री को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये ओपनली कह दिया है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप हायर एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकते अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाएंगे या आपकी डिग्री पाकिस्तान की होगी तो। इंडियन स्टूडेंट्स को ये साफ साफ कह दिया गया है, तो आज इसी पर बात करेंगे हम पाकिस्तान की यूथ से कि ये मामला कब तक चलते रहेंगे। पहले तजारत, फिर खेल और अब एजुकेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो आइए चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपका नाम? उमर दराज खान। दाऊद। मोहम्मद उमर। मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद वलीद। कदीर हुसैन। उमर, इंडिया की जानिब से एक डिसीजन लिया गया है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज को, यानी के जो भी इंडियन सिटीजन पाकिस्तान से पढ़कर जाता है या पाकिस्तान की उसके पास डिग्री होगी, इंडिया में ना तो उसे जॉब मिलेगी ना वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकेगा। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया को इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बता रहे हैं कि वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो हार्डली अगर देखा जाए, आप पाकिस्तान में 250 लोग 300 लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, जिनकी आप डिग्री जो है वो शायद कंसिडर नहीं करेंगे। तो नहीं करते तो मत करें, कोई मसला नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई स्टैंडर्ड लो तो नहीं है कि अगर आप ये कह रहे हैं। और सेकेंडली, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, सो कॉल्ड उनका कहना ये है कि जो दहशतगर्दी के एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से कर रहे हैं। और सेकेंडली, वहाँ पे अगर पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट होता है और वहाँ पे अगर इनके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं तो उस वजह से भी इनको जो है वो बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो यूक्रेन के अंदर जो है उनका स्टूडेंट्स जो है वो फंस गए थे और वहाँ से उन्होंने उनको बाहर निकाला, और इवन चाइना में जब इनका कोविड का केसेस बढ़े थे तो वहाँ पे उनके जो स्टूडेंट्स फंस गए थे वहाँ से भी उनको निकालने के लिए इनको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी थी इंडियन गवर्नमेंट को। तो मे बी एक रीज़न ये हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टूडेंट्स को इसीलिए इंटीमेट कर रही है कि वहाँ अब पढ़ाई मत करें, कि अगर इन केस आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान और इंडिया का तो वहाँ से उनके स्टूडेंट्स को निकालना एक तो मुश्किल हो सकता है। इंडिया की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे साथ बनती नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि हमारे अक्सर राइट्स होते रहते हैं उनके साथ, LOC पे हमारी उनके साथ बनती नहीं है, फायरिंग होती रहती क्रॉस फायरिंग, जिसकी वजह से आई थिंक सो कि वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है और मुझे यही लगता है कि उनकी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया सिर्फ जेलिसी में आगे, क्योंकि पाकिस्तान को वो कभी अच्छा समझते नहीं है। आप मूवीज़ में देख सकती हैं, वो पाकिस्तान को हमेशा बातें ही सुनाते रहते हैं, गालियाँ देते हैं और पाकिस्तान के बारे में बुरा करते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी बात है अच्छी, इसी वजह से उनकी स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका फैसला बहुत गलत है। पाकिस्तान में भी इंडिया की 80% बुक्स पढ़ी जाती हैं इंडियन ऑथर्स की, तो वो भी फिर इनको बैन कर देनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर उनके टीवी सीरियल बैन किए हैं, इनको यहाँ पर बुक्स भी बैन करनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि उससे फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का नुकसान होगा? जब वो अपने स्टूडेंट्स से कर रहे हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स के क्या बेस्ट है, हम उनको बिजनेस क्यों दें। लेकिन नफरत के बदले नफरत से मसाइल हल होना मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। ये नफरत नहीं है, ये एक समझदारी का फैसला है, मुझे यही लगता है। पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि हमारा स्टडी का मेयार कम है। पाकिस्तान के अगर डॉक्टर की डिग्री है या CA आप ले लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है, ICMA की डिग्री है, बाहर जॉब मिलती है और हाई प्रोफेशन में मिलती है। इतने पाकिस्तान में इधर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है वो इतनी जॉब यहाँ पर नहीं करता जो वो बाहर को प्रेफर करता है, और जो ऐसी डिग्री पर जाते हैं वहाँ पर वह फ़ायदा होता है।
हमारे खुद दोस्त जब वहाँ से जाते हैं, जब वो बताते हैं अक्सर अगर डॉक्टर जाएं या हम मजदूर जाएं वहाँ पर काम करने तो पाकिस्तानियों को इंडियन शोहरत बतानी पड़ती है, लेकिन जब हमारी प्रोफेशनल डिग्री जाते हैं तो वहाँ पर हम फ़ख्र से बताते हैं हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा मेयार है। लेकिन अगर इंडिया ने ये वाला कदम उठाया है, अव्वल तो जो लग रहा है उन्होंने हठधर्मी की है, एक वो दोबारा सियासत इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे वो मुख्तलिफ जावियों में करते हैं सियासत इन्वॉल्व, तो तिजारत में उन्होंने सियासत इन्वॉल्व की है, अपनी जो दूसरे मामलात हैं वहाँ पर सियासत इन्वॉल्व करते हैं, तो ये मुल्कों का नुकसान होता है। ये एक वॉर है, ये भी एक वॉर है। हम कहते हैं कि भाई दूसरों ने एटम बम मार दिया तो ये वॉर है, हकीकी वॉर तो ये है। एजुकेशन लॉस हो रहा है, कभी यहाँ पर हमारा इंटरटेनमेंट लॉस हो रहा है। अब अगर आप कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लें, इंडियंस का इंटरव्यू उठाकर देख लें, सिखों का, किसी भी आप बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू उठा के देख लेंगे, कि किसी भी सेलिब्रिटी ने ये नहीं कहा हम पाकिस्तान को गालियां देते हैं या पाकिस्तान हमें अच्छा नहीं लगता। हमेशा वो कहते हैं पाकिस्तान भी हमारा मदरलैंड है, इंडिया भी हमारा मदरलैंड है। वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन अगर इंडिया ऐसा चाहता है तो ये सियासत इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब आम आदमी तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये हक होना चाहिए किसी भी मुल्क में वो जाके पढ़ सकते हैं। अब देखें, मैं यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा जो है फॉरेनर्स आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया के लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में श्रीलंका के लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में यानी कि बहुत ज़्यादा जो है फॉरेनर्स आते हैं। तो अगर हम इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं आएगा और हमारे मुल्क की बदनामी है इसमें। ये नहीं है कि हमारे मुल्क की इसमें अच्छाई होगी कि किसी मुल्क को जहाँ पे हम आने नहीं देंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको डिग्री वैल्यू नहीं देंगे, तो इसमें ये कि उनकी बदनामी है, उनकी ये नहीं है कि उनको सब अप्रिशिएट करेंगे, उनको अप्रिशिएट किसी ने भी नहीं देनी उनको, बल्कि ये सब लोग यही करेंगे कि आपको वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को, मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है, वहाँ कलीतों को हुकूक नहीं दे जाते। अच्छा उमर, ये मामला कब तक चलते रहेंगे? पहले खेल, फिर तजारत और अब एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, ये एक एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। आप जब तक एक साइड से आप मामला ठीक करना नहीं चाहेंगे तो दूसरी साइड से भी वो मामला अगर ठीक करना नहीं चाहते तो एक कभी भी नहीं होंगे। हर एक किसी एक को थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ मूव करना पड़ेगा, उनको चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फ्री हो। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप आज़ाद नहीं है, देखा जाए तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो उनके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। पाकिस्तान के लिए बाउंडिंग्स हैं, एक तो ये रीज़न है। सेकेंडली, वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ मामला इनके बेहतर हों। एक तो रिलीजन फैक्टर है और सेकेंडली उनको बहुत से और बेनिफिट्स जो है यहाँ से नहीं मिल रहे होते जो बाकी कंट्रीज़ के साथ मिल रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली वो इस गेम को बेहतर करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया के मामला बेहतर हो गए तो ये दोनों जो बॉर्डर हैं वो खुल जाएंगे और इन दोनों के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, तो जो उनके बैक एंड के ऊपर बेनिफिट्स हैं पॉलिटिशियंस के और उनके कर्ता धर्ता, उनके वो बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये मामलात इस तरह कब तक चलते रहेंगे? सियासी मामलात की वजह से एजुकेशन असरअंदाज हो रही है। ये तो हमारी गवर्नमेंट का फैसला होना चाहिए कि उनको क्या ठीक लगता है, कि उनकी गवर्नमेंट के साथ बात करें और एजुकेशन को बेहतर बनाए। अगर उनकी बुक्स यहाँ पे पढ़ी जाती है तो हमारी बुक्स भी वहाँ पे जानी चाहिए। उनके स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तो वहाँ पे अच्छा समझा ही नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को उनके साथ बात करनी चाहिए, नहीं तो फिर ये फैसला रद्द कर देना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह किया तो हमें भी बिल्कुल जैसे ही जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो इंडिया की तरफ से कोई ना कोई बॉर्डर का अटैक आ जाता है या पाकिस्तान उनको डिफेंस करता है तो वहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हुकूमत का सारा ध्यान फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर जाता है और सारी स्पोर्ट्स वहाँ बंद हो जाती हैं, तजारत वैसे ही ख़त्म हो जाती है, और पीछे क्या बची हुई थी एजुकेशन वो हम वैसे ही नहीं जा सकते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ऊपर वैसे ही बहुत पाबंदी है वहाँ पे इंडिया में जाने के लिए, तो इसको ख़त्म मेरे ख्याल में जब तक ये मोदी है तब तक इसको हम नहीं कर सकते। जब मोदी जाएगा आफ्टर दैट इंशाल्लाह होप्स हो कि इंडिया के अंदर कोई अच्छी हुकूमत आए, बल्कि इंडिया के जो अपने लोग हैं वो मोदी को बहुत गलत कह रहे हैं, तो उसकी रीज़न ही ये है कि मोदी का जो एक अपना एक पर्सनल उसका पर्सपेक्टिव है, उसका जो भी आइडिया है वो गलत है, तो जब तक वो नहीं जाएगा ये आइडिया नहीं ख़त्म हो सकेगा। आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन का लेवल इतना लो हो गया है कि इंडिया ने अपने इंडियन सिटीजन को पाकिस्तान आकर पढ़ने से या उनको पाकिस्तान की डिग्री हासिल करने पर वॉर्न कर दिया कि भाई उनको जॉब्स ही नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली इस डर से तो कोई भी इंडियन जो पहले पाकिस्तान आते थे पढ़ने के लिए वो भी आना छोड़ देंगे कि जब उनकी डिग्रीज मानी ही नहीं जाएंगी तो उन्हें पाकिस्तान आकर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो डिग्रीज हैं वो इतनी वैल्यू उनकी कम है, यूनिवर्सिटी लेवल इतने कम है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटियों में भी तो सब UMT देख लें, हमारी जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में
बाहर से फॉरेनर्स इतनी तादाद में आगे पढ़ते हैं तो उन हमारी डिग्री की वैल्यूएशन है तो वो आगे पढ़ते हैं ना। तो मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि इतनी तो नहीं ठीक है कि हमारी जो है सिलेबस जो है बहुत पुराने हैं, हमारे जो है तलीमी निज़ाम जो सिलेबस जो है वो दोबारा से न्यू जनरेशन के लिए न्यू उसको दोबारा बनाना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का लेवल तो फिर भी ठीक है, इतना भी कम नहीं है। एज अ स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि इस मसले का हल क्या है? स्टूडेंट्स को बात करनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए इस चीज़ पे, और उनके स्टूडेंट्स को पहले स्ट्राइक करनी चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों लिया कि इतना पैसा भर के अपना टाइम वेस्ट करके वो यहाँ पाकिस्तान में आके पढ़ें और वो यहाँ की डिग्री को वहाँ कंसीडर न करें तो वो तो वहाँ पे अनएजुकेटेड मेंशन होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी यूथ की राय। इन सब का यही कहना था कि तिजारत हो, खेल हो या फिर एजुकेशन, सियासत को इन तमाम मामलों से दूर रहना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।